नमस्कार, मंजू रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं चावल के आटा से बहुत ही चटपटा नाश्ता की रेसिपी बनाने जा रही हूँ। इसके लिए हमने एक कटोरी चावल का आटा लिए, 2 छोटा चम्मच मैदा, आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर, आधा छोटा चम्मच कसूरी मेथी, आधा छोटा चम्मच अजवाइन, आवश्यकता अनुसार नमक और रिफाइंड ऑयल। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। इधर गैस ऑन करके फ्राई पैन को चढ़ा दिए हैं और फ्राई पैन में 1 कटोरी चावल का आटा है, तो 1 कटोरी पानी को इसमें हम डाल देते हैं। साथ में इसमें चिली फ्लेक्स को भी डाल देते हैं, चाट मसाला, कसूरी मेथी, अजवाइन और स्वाद अनुसार नमक। आधा छोटा चम्मच रिफाइंड ऑयल को डबी डाल देते हैं इसमें और पानी में उबाल आने देते हैं। पानी में उबाल आने के बाद इसमें हम चावल का आटा को डालते हुए अच्छी तरह से इसे मिलाते हुए रहना है और पानी को बिल्कुल ही सुखा लेना है। पानी बिल्कुल सूख गया है, अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे ढक करके लगभग 5-7 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। लगभग 5-7 मिनट के बाद इसे हम एक प्लेट में निकाल लिए हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा मैदा को डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से मिला करके एकदम सॉफ्ट डो तैयार कर लेते हैं। चावल का आटा अभी हल्का गर्म है, बहुत ठंडा नहीं करना है। इस तरह से इसे हम बहुत ही अच्छी तरह से मसल मसल करके एक सॉफ्ट डो तैयार कर लिए हैं। इस तरह से अब इसमें से हम छोटी छोटी लोई को निकाल करके और इसका हम इस तरह से गोल करके इसका हम इस तरह से पेड़ा की तरह बना लेते हैं। इस तरह से इसी तरह से सभी को बना लेते हैं। देखिए इस तरह से इसे हम बना लेते हैं। इस तरह से सभी को बना करके तैयार कर लिए हैं। इधर गैस पे पैन को चढ़ा दिए हैं और इसमें रिफाइंड ऑयल को डाल दिए हैं और तेल गरम भी हो गया है। अब गैस का फ्लेम को मीडियम कर देते हैं और इसमें एक एक को इसको डाल करके इसे हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। अब इसे हम आहिस्ता पलट देते हैं एक एक करके। इसे चारों तरफ से लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेते हैं अच्छी तरह से। चारों तरफ से अच्छी तरह से तला गया है, अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और गैस को ऑफ करके इसे हम सर्व कर लेते हैं। इसे सर्व करने के बाद ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला को डाल देते हैं और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर को भी डाल देते हैं। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।